नमस्कार दर्शक महानुभावर, बरु यो देशका प्रधानमन्त्री झुके भारतसँग तर झुकेनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह, बालेन शाहले गरे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा साहसिक काम। दर्शक महानुभावर, यो खबर हामीले अत्यन्तै खुसीका साथ तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्न गइरहेका छौँ। आज हम ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में बात करने वाले कि बालेन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया था। नेपाल की मीडिया का एक नया रिपोर्ट इसके बारे में आया है, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि नेपाल के मैप से इंडिया को काफी मसला हुआ था और उन्होंने नेपाल को काफी बातें सुनाई और उसके बाद काफी ताल्लुकात भी खराब हुए हैं। आज हम इसी तरीके से एक और रिपोर्ट पे रिएक्शन देने वाले हैं जिसमें नेपाल की मीडिया ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में बात करे और बालेन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया उसके बारे में बात करने वाले है। तो हो सकता है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग या एंड पार्ट में इंडियन न्यूज चैनल्स की भी रिपोर्टिंग दिखाई दी जाए, क्योंकि नेपाल की मीडिया इंडियन मीडिया को रिप्लाई देते हुए ये कह रहा है कि हमारा देश है, हम जो करेंगे आप हमारे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए इस नेपाल की वीडियो को देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं ग्रेटर नेपाल और नेपाल के आने वाले ताल्लुकात के बारे में इंपॉर्टेंट सी वीडियो। तो वीडियो को करें लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार दर्शक महानुभावर, बरु यो देशका प्रधानमन्त्री झुके भारतसँग तर झुकेनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह, बालेन शाहले गरे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा साहसिक काम। दर्शक महानुभावर, यो खबर हामीले अत्यन्तै खुसीका साथ तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्न गइरहेका छौँ। कृपया तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोमा लाइक गर्नुहोला र बालेन शाहको हौसलाका लागि आई एम विथ बालेन भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन शाहले सरकारले गर्न नसकेको काम मेयरबाटै गरेका छन्। अब लागौँ पुरा जानकारीतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतले अखण्ड भारत को नाममा नेपालका केही भूभागहरू समेटेर नक्सा नयाँ संसद भवनमा राखेपछि नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकेका छन्। ग्रेटर नेपालको नक्सामा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको छ। अङ्ग्रेजसँग युद्ध हुनु अघि नेपालको भूमि टिस्टादेखि काङ्गडासम्म फैलिएको थियो। सो युद्धका क्रममा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएको थियो। यो ऐतिहासिक प्रमाणिक विषय हो, तर भारतले भनेको अखण्ड भारत भने प्रमाणित विषय होइन। भारतले अखण्ड भारत भन्ने नामको नक्सामा नेपालका भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई समेटेको थियो भने यो सँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका भूमिहरूलाई पनि समेटेको थियो, जसको कारण चौतर्फी रूपमा भारतको विरोध भइरहेको थियो। 1947 ईस्ट इन्डिया कम्पनीले छोडेर जाँदा भारत र पाकिस्तान एक बनेका थिए। त्यसपछि मात्र विश्वमान चित्रमा सरी 1947 ईस्ट इन्डिया कम्पनीले छोडेर जाँदा भारत र पाकिस्तान बनेका थिए। त्यसपछि मात्र विश्वमान चित्रमा भारत नामको देशको अस्तित्व आएको हो। अखण्ड भारतको नक्सालाई भारतले सांस्कृतिक नक्सा भन्ने तर्क गरिरहेको छ। यति बेला मेयर बालेन भने विदेश भ्रमणमा छन्, तर उनकै आदेशमा कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको महानगरका एक कर्मचारीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन पहिला भारतको भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाली भूमिको बारेमा केही कुरा त उठाएका थिए, तर उनले भारतले बङ्गलादेशसम्म बिजुली लैजाने बाटो दिएको खण्डमा नेपालको कालापानी क्षेत्र अथवा लिपुलेक क्षेत्र विकल्पका लागि सोध्न सकिने बताएका थिए अथवा त्यो क्षेत्र भारतलाई दिन सकिने कुरा बताएका थिए। यसलाई तपाईँले सम्झौता भन्नुहुन्छ कि राष्ट्रघात? कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले यति बेला संसदमा पनि तहल्का मचिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर अर्काको देशमा भ्रमणका गएको क्रममा आफ्नो देशको केही भाग उसलाई सुम्पिने कुरा गर्नु कतिसम्मको नालायकपन हो र यो नेपालीको अस्तित्वमाथि, नेपालीको गौरवमाथि कतिसम्म गिरिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा
राखेपछि चारैतिर तहल्का मचिएको छ। बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको 3D नेपालको नक्सालाई हटाएर अहिले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको संसद भवनमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव दिएका थिए। ग्रेटर नेपालमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको भूभाग पर्दछ। अङ्ग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालको भूभाग मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमित गरिए पनि अहिले अङ्ग्रेजीहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनी छैन। सुगौली सन्धि पनि खारेज भइसकेको छ, तर सोही सन्धि अनुसारको भूभाग फिर्ता भइसक्नुपर्नेमा भारतले आफ्नो उपनिवेश बनाएर राखेको छ। तर नेपालका शासकहरूले भने आफ्नो भूमि फिर्ता लिन डराउँदै आएकोमा पछिल्लो समय ग्रेटर नेपालको कुरा चर्को रूपमा उठाउन थालिएको हो। यो सँगै बालेन शाहले यो साहसी काम गरेर आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। सो भिडियो देखि आफ्नै उम्मिद है कि पसन्द आयो कि ग्रेटर नेपालको बारेमा काफी इम्पोर्टेन्ट भिडियो थियो जिसके बारे में बात की जा रही है आजकल। आपको पता है कि ग्रेटर नेपाल का मैप बालेन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया और उसके बारे में काफी ज्यादा बात ही की जा रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया ने ये बात की थी कि नेपाल की जरूरत कैसी हुई कि उन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप अपने ऑफिस में लगाया, और इंडियन मीडिया ने ग्रेटर नेपाल के साथ बालेन शाह को भी काफी सुनाया क्योंकि बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का ऑफिस में अपना मैप लगाया और मैप लगाने के बाद वो अपनी वाइफ का इलाज करने इंडिया गए, नेपाल से इंडिया गए। तो जाहिर सी बात है इंडियन मीडिया ने तो उनके ऊपर बातें कसनी थी, उनको सुनाना था कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, कि हिम्मत कैसे हुई आप तो एक ग्रेटर नेपाल का मैप लगा रहे हो और साथ में अपने वाइफ का इलाज करने के लिए इंडिया आ रहे हो। क्योंकि ग्रेटर नेपाल में कई सारी जगहें थी जो इंडियन थी, क्योंकि जिसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ग्रेटर नेपाल में आता है, उत्तराखंड ग्रेटर नेपाल में आता है, बिहार उत्तराखंड में आता है, सिक्किम हो गया, कुछ और जगह है जो ग्रेटर नेपाल के मैप के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इंडियन मीडिया ने इनको काफी सुना है कि भाई हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि भाई आपने ग्रेटर नेपाल में अपना मैप दिखाया, ग्रेटर नेपाल में हमारी जगह दिखी और उसके बाद आप जो है अपनी वाइफ का इलाज करने नेपाल से इंडिया आ रहे हो। ये सारी बातें हुई और ग्रेटर नेपाल के बारे में मैंने बहुत ज्यादा वीडियोज बनाई है, जिनको भी देखनी है ना भाई चैनल भरा पड़ा हुआ है, आप जाके वीडियोज देखिए। अगर आपको और भी देखनी है कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट सेक्शन में या वहाँ पे डीएम में लिंक भेज दे, उस वीडियो के ऊपर मैं इंशाल्लाह रिएक्शन दूंगा आपके साथ। वीडियो की रियलिटी के बाद कई और भी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को जो है ना लाइक लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताइएगा और एंड में जो है ना आप वीडियो देख लिए ग्रेटर नेपाल के रिलेटेड तो लिंक लाजमी सेंड करें। इसके अलावा भी अगर हम इंडिया का रिएक्शन देखते हैं तो इंडिया इस टाइम पे काफी गुस्सा है ग्रेटर नेपाल के बारे में, क्योंकि उन्होंने ये बात की थी कि हमने अगर अखंड भारत का मैप लगाया तो हमने सिर्फ हिस्ट्री के लिए लगाया, जबकि नेपाल ने ये वापसी लेने के लिए बात की है कि हम अपनी जगहें वापसी लें और अपनी जगह लेने के बाद हम जो है ना इंडिया के साथ वॉर करेंगे, लड़ाई करेंगे, ताल्लुकात खराब होते तो खराब होने दो, हमें उससे कुछ ताल्लुक नहीं है, बट हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए तो चाहिए। ये नेपाल के मीडिया की तरफ से बात की जा रही थी, इंडियन मीडिया का ये कहना है। अगर हम इंडियन मीडिया के कहने के मुताबिक देखें तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि कभी ग्रेटर नेपाल हुआ ही नहीं करता था, ये तो सिर्फ दोगलेपन की बात है, नेपाल झूठ बोल रहा है, ये सारी बातें इंडियन मीडिया में की जा रही है। बट कि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में काफ़ी सारे बातें आती है जिसमें ग्रेटर नेपाल की बात भी आती है, जिसमें अखंड भारत की भी बातें आती है, ये सारी हिस्ट्री के रिलेटेड है। सो अगर आज की वीडियो आपने देखी अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।